जय जगन्नाथ। थरे नारद महादेव को पचारे, प्रभु मते चारिजातिर नारी कथा कहतु। प्रभु चारिजातिर नारी कथा नारद को शुणाई। नारद मन से संतोष हो नाला। तत्पर पुणी से चारिजाति पुरुष कथा पचारि। भगवान महादेव सही उत्तर प्रदान करी जे संसार रे चारि प्रकार पुरुष अच्छा, यथा शशक, मृग, वृष एवं अश्व। प्रथमे महादेव शशक जातिर पुरुष कथा वर्णना करी, जहाँ आम प्रथम जानवा शशक जातिर पुरुष मानकर कथा। शशक जातिर पुरुष माने देव अनुसार जन्मलाभ करती एवं से विष्णु कला रे जात हुंती। विष्णु भगवान को से भक्ति करती, पूजा अर्चना मध्य करी थांती। चंपा फूल परी तांको शरीर वर्ण होइथाए, मुखडी तांकर गोल होइथाए, आखि गुड़ाक पद्मपत्र परी होइथाए, दांत गुड़िक सब समान थाए, आउ लागू थाए कि जेमिति से व्यक्ति हसुछन्ति। छाती तांकर विशाल होइथाए एवं कपाल रे तीनोटी गारर चिन्ह थाए। से माने बेसी गोरा नुहंती कि बेसी कला नुहंती, बेसी डेंगा नुहंती कि बेसी गेड़ा मध्य नुहंती, मध्यम धरणर से माने होई थांते। नील रक्त परी ताको ओष्ठर रंग थाए। से माने मोटा नुहंती कि बेसी पतला मध्य नुहंती। शरीर प्रत्येकटी भाग रे तंगरा मांस परिपूर्ण, कोड़ी हाड़ देखा जाए नाही एवं से माने कथा कहिले बेले धीर स्थिर भाव रे कथा कहते। जेमिति कि एपट घर सेपट घर को शुभुन थिबो एवं से मानकु पद्मिनी जातिर नारी माने प्राप्त होइथांती। सेही पुरुष माने पद्मिनी जातिर नारी मानकु विवाह करिथांती एवं दुहे मिसी दिव्य जीवन उपभोग करिथांती। भगवान को आराधना करी निज जीवन को अतिवाहित करिथांती। शशक जातिर पुरुष मानकु विशेषतः दुग्ध, घृत, छेना, दही से मानकर प्रिय होइथाए। सही पुरुष माने एही सब खाद्य को तांकर प्रिय जात पदार्थ भाव रे ग्रहण करिथांती। से मानक पाखरे सदा सर्वदा लक्ष्मी बास करंती। क्षण मात्र तांगु छाड़ी लक्ष्मी दूरीभूत हो पारंती नाही, काहेकि ना तांकर गुण सही प्रकार ही थाए। से माने निर्माया, निर्लोभी एवं कपटी मध्य होइन थांती। से माने सबले सत्य वचन कहंती। से माने भितरे दया, क्षमा, करुणा भाव थाए। से माने गुरुजन कथा को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करिथांती। से माने क्रोधी होइन थांती, अलस्य मध्य होइन थांती, दुर्पट्य लंपट्य से माने होइन थांती, मद्यपान से केबे भी तंगो जीवन रे करिन थांती। मांस को से माने सदा सर्वदा घृणा करिथांती एवं सदा सर्वदा से शाकाहारी खाद्य को ग्रहण करिथांती। से मानकर आयुष 30 रु 40 वर्ष मध्य रे होइथाए एवं से माने सदा सर्वदा परिवार खुशी को प्राधान्य देइथांती। दुखी दरिद्र को देखिले से माने दान धर्म इत्यादि करिथांती। प्रत्येकटी आम ओडिया रे थिबा ओसा पर्व पर्वाणी के से माने पालन करिथांती। ठीक पद्मिनी जातिर नारी मानकर जेउ फेर लक्षण थाए, शशक जातिर लक्षण मध्य ठीक सही परि थाए। तत्पर महादेव शिव मृग जातिर पुरुष कथा कहिछंती, तांगो रूप वर्णना करिछंती। से माने देव अनुसार जात होइथांती। से मानंक शरीर रु पणस बासना आसुथिबो। से मानकर वर्ण
ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହୋଇଥିବ। ହସ୍ତିର ନୟନ ଯେପରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାହାଣୀ ତାର ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୃଗ ଜାତିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଧୀର ସ୍ଥିର ଚାହାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ପତା ଡେରିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଓଠ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଓସାରିଆ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ଯାକ ଲୋମରେ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବ, ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବେ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିବେ, ଜ୍ଞାନୀମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିମାନେ। ଠିକ୍ ଶଶକ ଜାତିର ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁପରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ସେହିପରି ମୃଗ ଜାତିର ପୁରୁଷମାନେ ବି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସଦସର୍ବଦା ଆରୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେମାନେ ନିର୍ମାୟା, ସେମାନେ ସଦସର୍ବଦା ସତ୍ୟବଚନ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଳହ ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହିଂସା କପଟ କଟୁତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିନଥାଏ, ସେମାନେ ପରର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରର ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନୀତିକର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏବଂ ପୁରାଣ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରିବା। ସେମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ପଠନ ତପସ୍ୟା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନୀତିନୀତି ସେମାନେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିଣୀ ଜାତିର ନାରୀମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୃଗ ଜାତିର ପୁରୁଷମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରୁ ନାନାଦି ସୁଗନ୍ଧ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ବୃଷ ଜାତିର ପୁରୁଷ କଥା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଏମାନେ ମାନବ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ଶରୀର ଖାର ଖାର ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ। ଏମାନେ ଅତି ଗୋରା ନୁହନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଅତି କଳା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଚିଲ ଆଖି ପରି ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ହୋଇଥାଏ। ନାସାରେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଲୋମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ରାଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଏମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଗରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ନଥାଏ। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେଶୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ସଂଖିନୀ ଜାତିର ନାରୀମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ବନିତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ସିଆଡ଼ିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଟ କପଟୀର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନ ଜାଣିଲା ପରି ନିଜକୁ ସଦସର୍ବଦା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପଟକୁ ଦୋଷ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଚୁପ୍ କରି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି।
अन्य मानक निंदा करिबा एमानक गोटे स्वभाव होइथाय। एमाने दान धर्म करिबा को भल पांती नाही, धन संपत्ति रे बहुत लोभ थाए किंतु कौनसी धर्म कार्य से माने करंदी नाही। एमानंकर बयस 50 रु 60 वर्ष। एमानंकर शरीर रे कौनसी चिन्ह वर्ण किछि भी न थाए, जेमिति कि आगुरु आमे सुनुथिले कि शंख चक्र रे चिन्ह शशक एवं मृग जातिर पुरुष मानक पाखरे थाए, किंतु वृष जातिर पुरुषक पाखरे एसबु स्वभाव न थाए। एमाने अलस्वामी बेसी सोइबा को भल पाते, कहार भोजी भात हेले केहि नडाकुणु एमाने उपरे पड़ी से भोजी भात खाई थांती। कुटुंबरे कहार कण हेले एमानको बेसी फरक पड़ि न थाए, एमाने सेडकी बेसी दृष्टि देइ न थांती। तत्पर महादेव शिव अश्व जातिर पुरुष मानकर कथा वर्णना करिछंती, जहां आमे चतुर्थ जाति बोली कही थाओ। एही जातिर पुरुष माने दानव प्रवृत्तिर होइथांती, एमाने बहुत क्रोधी स्वभावर होइथांती, टिके टिके कथारे झगड़ा करिथांती एवं बेले बेले संपर्क मध्य छिन्न करि देइथांती। मदकु एमाने बेसी भल पाइथांती, जुआ खेलिबाकु बेसी भल पाइथांती, पैसा को एणे तेणे खर्च करिबाकु बेसी भल पाइथांती एवं एमाने सदसर्वदा आमिष एवं मद्यकु भक्षण करिथांती। एमाने अलस्वामीर होइथांती, एमानंकर शरीर अति पतला होइथाय। एमानंक शरीर रे बेसी मांस न थाए, एमानंक शरीर को देखिले सबुआडे खाली हाड़ हाड़ देखा जाउथे, आंगुटी रे गोड़ रे पीठी रे इत्यादि स्थान मानक रे खाली हाड़ दृश्यमान होइथाए। एमाने क्रोधी एवं लज्जा महतो किछ मानंदी नाही, कठिन कठिन दीर्घकाय एमाने अन्य मानको निंदा करिथांती एवं सदसर्वदा गर्व अहंकार रे एमाने निजको भिजे मजे रखी थांती। किछि नथिले भी सेमाने बाहर एमिति देखै हुंती जे आमर सब किछि अछि, किंतु प्रकृति रे सेमानकर एते भी किछि न थाए, किंतु गर्व अहंकार एमाने पड़ी एही पर व्यवहार करी थांती। एमानंकर मुख उल्लुक पेचा परि मुख होइ थाए, मर्कट परि मध्य मूर्ख होइ थाए। एमानंकर जीवन रे रोग बहुत मात्रा रे एमानंकु होइ थाए, एमाने दरिद्र कांगाल स्वभावर एमाने होइथांती। एही पुरुष माने जेउं भी अर्थ इनकम करिथांती ताहा जुआरे खेलिकी सेमाने नष्ट करिथांती एवं विधवा बेस्या सांगे सेमाने निजर पैसा को उड़ाइ देइथांती, सेमानो कांधरे अलक्ष्मी बास करंती। एमानंकर संपर्क बेसी चंडाल स्त्री मानंक सहित एमानंक संपर्क बहुत भल थाए, सेही मानकु सेमाने निजर करिया पई बहुत चेष्टा करिथांती। एही पुरुष माने सती नारी को अपहरण करी निजर करिबाकु चेष्टा करिथांती। निर्धन अरक्षित अनाथ स्त्री मानकु एमाने निजर करिबाकु चेष्टा करिथांती, बलात्कार करिथांती, नानादि भय देखाइथांती, बलपूर्वक हरण मध्य करिथांती। एमाने बेसी मांस खाइथांती, गोरस एमानंकु पिता लागे सेमानंकु भल लागे नाही, जोटा खाद्य सेही खाद्य एमानंकु पसंद नुहे, जहाँ अरुचिकर खाद्य ताहा एमानंकु पसंद होइथाए। अन्य मानकर घर मध्य बेल पाइले चोरी करी बेसिया वृत्ति रे पैसा को बेरबीज करिथांती, बेसिकली एमाने बेसियांक सहित संपर्क रखिथांती, पिता मातांकु अनादर करिथांती, पुआ झियंकु मध्य अनादर करिथांती, सेमानर कथा एमाने बुझी नथांती। एही जातिर पुरुष माने परिवार भासी जाओ कि उजुड़ी जाओ, एमानकर किछि जाए आसे नाही, कहार देह कौन होउची भल अछि कि खराब अछि सेमानकर किछि जाए आसे नाही, सेमानकर खाली अयस आराम दरकार, खाली आनंद मौज मतिस दरकार। एमानो ठीक सेही परि नारी माने प्राप्त होइथांती, जो जातिर नारी माने एही परि स्वभावर होइथांती, अर्थ हस्तिनी स्त्री एमानंकु प्राप्त होइथाए। एमानंक प्रिय खाद्य हेउची आमिष, एमाने सदसर्वदा आमिष भक्षण करिबाकु चेष्टा करिथांती।
पुण्य दिन मानंगरे अर्थवा संक्रांति भल दिन मानंकरे एमाने केबे भी पूजा दान धर्म करिन थांदी सदसर्वदा निजर पाशवे प्रवृत्ति को धारण करी निजर पाशवे प्रवृत्ति को देखाई दे थांते पर स्त्री पाई निज स्त्री को मध्य एमाने परित्याग करी थांती तो केते बेले मध्य हत्या मध्य करी थांती एमाने साधारणतः असभ्य कथा अभद्र अपसंदिया कथा को एमानंकर पसंद होई थाए एमाने सही प्रकार भाषा मध्य प्रयोग करी थांती जहां समाज रे ग्रहणीय योग्य होई न थाए एमाने विवेकहीन हेथिबारो बेले बेले एमाने समाज आघरे निंदित होई थांती एही परि थिला चारि जातिर पुरुष कथा जहाद्वारा ए सब सुनिकी नारद मुनि खुशी होइथिले संतुष्ट मध्य होइथिले आपण एथिरे बुझी पारुथिबे केउ जातिर पुरुष माने भल होइथांती केउ जातिर पुरुष माने खराब होइथांती आपण बाहरे केउ जातिर पुरुष अछि आपण एही स्वभावरु जानि पारुथिबे।